सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपनी रोजाना की रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो कबूतरों को खाना दे देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने कबूतरों को खोल दिया। और दोस्तों, आज हमें एक बात बतानी थी। ये जो हमारी ये वाइट वाली जो रिंग पहनी वाली है, इसने एक बच्चा उठाया था, हमारे घर का पहला बच्चा था वो। और दोस्तों, हमारी ब्लैक वाली मादी जो है, इसने पहली बार दो बच्चे उठाया। तो दोस्तों, हमारे घर में पहली बार दो बच्चे उठ रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। एक बच्चे की ग्रोथ अच्छी खासी हो गई है और एक बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल हो ही नहीं रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर है, मैं इसी की बात कर रहा था। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं ये दोनों बच्चे की बात कर रहा था, मैंने आपको अंदर दिखाया था, बाहर निकाल दिया मैं। ये देखिए दोस्तों, ये साइड वाला बच्चा सही बड़ा हो रहा है और ये साइड वाला बच्चा जो है दोस्तों, ये काफ़ी छोटा रह गया। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा वाला बच्चा, आप फर्क चेक करिए दोस्तों, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि आपको मैंने बताया था 3-4 वीडियो पहले, ये बड़े वाले बच्चे के पेट में ज़्यादा सुराख हो गया था और खाना वगैरह बाहर आ रहा था, मगर फिर भी देखिए माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ, इसके बनस्बत इसकी ग्रोथ काफ़ी कम है। तो दोस्तों, मैंने कबूतरों को खाना डाल दिया, कबूतर खाना खा रहे हैं। और दोस्तों, ये अंदर वाला बच्चा काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रहा, ये प्याले से बाहर निकल निकल के अपनी माँ बाप से फीड मांग रहा होता है। आपसे ग्रोथ बताएगा दोस्तों, कैसी ग्रोथ हो रही है इसकी, देर बाद जाइए। तो दोस्तों, कबूतरों ने खाना खा लिया, अब इसे बंद करने का टाइम आ गया। लाफे भगाओ इसको, बंद करो। दोस्तों, ये मादी जो है इन्हें पानी पीती है ताकि अपने बच्चे को फीड करा सके। दोस्तों, अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और देखते हैं जंगली कबूतरों ने नेस्टिंग की है कि नहीं। आप लोगों को याद होगा, मैंने कल या परसों की वीडियो में एक डब्बा लगाया था, तो देखते हैं अब जंगली कबूतर जा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जंगली कबूतर उड़ के गया। तो दोस्तों, ये लोग ऊपर ही बैठे हुए थे, तो चलते और चल के देखते हैं उन्होंने नेस्टिंग किया कि नहीं। तो दोस्तों, मैं ऊपर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, जंगली कबूतरों ने यहाँ पर नेस्टिंग कर दिया। मैंने इन लोगों के लिए यहाँ पर डब्बा लगाया था ताकि जंगली कबूतर यहाँ पर जाए और आराम से अपनी नेस्टिंग वगैरह करें, मगर दोस्तों, जंगली कबूतरों ने अपनी नेस्टिंग यहाँ पर कर दी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जंगली बस नेस्टिंग कर ले, कहीं भी अंडा दे दे, इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि पेटी में करे या ज़मीन में करे, बस नेस्टिंग कर दिया, बस आप दुआ करें कि यहाँ पर इन्हें अंडा देते। तो कोई मसला नहीं है दोस्तों, मगर अफसोस इस बात का दोस्तों कि मैंने उधर भी पेटी लगाई थी और मैंने इधर भी पेटी लगाई थी ताकि जंगली कबूतर आराम से अपने अंडे बच्चे करे और नेस्टिंग वगैरह करे, मगर दोस्तों, जंगली कबूतर ने यहाँ पर नेस्टिंग कर दिया। तो नेस्टिंग कर दिया, कुछ कर नहीं सकते, तो बस आप दोस्तों, आप लोग दुआ करिएगा कि ये लोग यहाँ पर अंडा दे दें और बच्चे वगैरह उठा दे। तो दोस्तों, अब हम मुर्गा मुर्गी को खोलेंगे और इनको खाना देंगे। शान भाई, खोलिए मुर्गा मुर्गी। दोस्तों, इस मुर्गी की बड़ी खराब आदत है, ये टीन में चढ़ जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ।
कबूतरों वो दाना खा रही है। ये देखिए दोस्तों कबूतरों को दाना ना वो बहुत पसंद है, बहुत शौक से खाती है। चोकर देती है तो थोड़ा थोड़ा खा के छोड़ देती है। ये देखिए दोस्तों तो राफे सिंधी मुर्गी पे खोल दो। तो दोस्तों राफे तो सिंधी मुर्गी को खोलते हैं। देखिए दोस्तों अभी सिंधी मुर्गी आएगी और ये ब्राउन वाली मुर्गी वो बहुत मारेगी। देखिए दोस्तों आप लोग देखिए दोस्तों हमारी सिंधी मुर्गी आ गई है। ये देखिए दोस्तों ये मुर्गी डर गई है। दोस्तों सिंधी मुर्गी ब्राउन वाली मुर्गी ऐसी मारते रहेगी, दिन भर खुले रहती है ऐसी मारते रहती है दोस्तों। दोस्तों अभी मैं इन लोगों को खाना देता हूँ। दोस्तों मैंने इन लोगों को खाना डाल दिया। ये देखिए दोस्तों और ये सिंधी मुर्गी को मैंने खाना डाल दिया। ये देखिए दोस्तों तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल मिले जिनका हमें सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक राय दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।